नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कन्वेयर बेल्ट का जीरो स्पीड स्विच का आरपीएम सेटिंग कैसे करना है। कैसे मालूम करेंगे कौन सा कन्वेयर का कितना आरपीएम सेटिंग होना चाहिए? तो ज्यादातर आप देखे होंगे कन्वेयर बेल्ट में जीरो स्पीड स्विच लगा होता है, तो जीरो स्पीड स्विच के साथ एक सेंसर भी लगा होता है। ये देखिए दोस्तों, जीरो स्पीड स्विच का सेंसर। तो ये सेंसर का काम क्या है और फिर जीरो स्पीड स्विच में हम लोग आरपीएम कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए दोस्तों। ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच यानी जीरो स्पीड स्विच ZSS। यहाँ पे उसका वोल्टेज रेंज दिया गया है, कितना सप्लाई वोल्टेज होगा वहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है आरपीएम आपको कितना सेटिंग करना है, 1 से लेकर 100 तक आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है कैलिब्रेटेड फॉर 8 इम्पल्स पर रिवोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे दो चीज इम्पोर्टेंट है, एक है आरपीएम, दूसरा वाला है इम्पल्स पर रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में कितना इम्पल्स आएगा। तो यहाँ पे तीन इंडिकेशन, यहाँ पे सबसे पहला है सप्लाई अगर हेल्दी रहेगा तो ये इंडिकेशन ग्लो करेगा, सेकेंड वाला है रिले अगर हेल्दी है तो वो ग्लो करेगा, और थर्ड वाला ये पल्स को काउंट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो स्पीड स्विच का प्रोब लगा हुआ है, और प्रोब जैसे ही ब्लिंकिंग हो रहा है उसी के हिसाब से जो थर्ड नंबर वाला एलईडी था वो ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी ये पल्स को काउंट कर रहा है। तो चलिए कन्वेयर बेल्ट में और क्या क्या चीज होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट में जनरली तीन सेफ्टी स्विच लगा होता है, एक है पुल कोड, दूसरा वाला है बेल्ट स्वे, और थर्ड नंबर वाला है जीरो स्पीड स्विच। और बड़ा कन्वेयर में इसके अलावा और एक सेफ्टी स्विच लगा होता है जिसको हम कहेंगे ग्रेविटी स्विच। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि कन्वेयर बेल्ट का सेफ्टी स्विच का यूज क्या है। तो जीरो स्पीड स्विच क्यों लगाया जाता है, और पुल कोड स्विच और बेल्ट स्वे स्विच क्यों लगाया जाता है। बेल्ट स्वे स्विच, जब बेल्ट स्वे होगा तो उसी समय बेल्ट से स्विच ऑपरेट होगा और कन्वेयर बंद हो जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप पुल कोड स्विच को ऑपरेट करेंगे तो तुरंत ही कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा। और ये जीरो स्पीड स्विच क्यों लगाया जाता है, जीरो स्पीड स्विच यानी कन्वेयर बेल्ट का स्पीड अगर जीरो हो जाए, मान अगर बेल्ट टूट जाए या मोटर और गियरबॉक्स के बीच में कपलिंग रिलीज हो जाए, डीकपल हो जाए, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, मोटर तो घूमता रहेगा लेकिन कन्वेयर बेल्ट बिल्कुल नहीं घूमेगा। तो उसी कंडीशन में भी ये जीरो स्पीड स्विच ऑपरेट होगा और मोटर बंद हो जाएगा। तीनों का काम है, ये जो मोटर है मोटर को बंद कराना। ये देखिए दोस्तों, ये एक मोटर है, मोटर किसके साथ कपलिंग हुआ है, गियरबॉक्स के साथ कपलिंग हुआ है, और गियरबॉक्स कहाँ पे लगा हुआ है, गियरबॉक्स किसको घुमा रहा है, गियरबॉक्स ये जो पुली है कन्वेयर का पुली को घुमा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम कहाँ से जनरेट होता है, सबसे पहले मोटर का आरपीएम को देखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो मोटर है 4 पोल मोटर है, यानी इसका जो आरपीएम रहेगा 1485 आरपीएम रहेगा। और ये देखिए दोस्तों उसका गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स का रेशियो को आपको देखना है, क्या रेशियो लिखा गया है 100:1, यानी ये गियर बॉक्स का इनपुट को अगर हम 100 बार घुमाएंगे तो उसका आउटपुट एक ही बार घूमेगा, उसका जो आउटपुट शाफ्ट है वो एक ही बार घूमेगा। प्राइमरी शाफ्ट को अगर हम 100 बार घुमाएंगे तो सेकेंडरी शाफ्ट एक ही बार घूमेगा, ये उसका रेशियो है। और इसका इनपुट कितना लिखा गया है, इनपुट आरपीएम लिखा गया है 1500 आरपीएम, यानी मोटर का जो आरपीएम है दोस्तों वो हो गया गियरबॉक्स का इनपुट, तो इनपुट है 1500 आरपीएम। तो जब 1500 आरपीएम है इनपुट में देंगे तो ये जो गियरबॉक्स है दोस्तों, गियरबॉक्स का आउटपुट 15 आरपीएम हो जाएगा। और ये 15 आरपीएम किसको घुमा रहा है, ये 15 आरपीएम से ये पुली को घुमा रहा है, यानी कन्वेयर बेल्ट का जो आरपीएम है दोस्तों ये पुली से ही पता चलेगा, पुली कितना आरपीएम में घूम रहा है, आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में ये कितना बार घूमेगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि एक मिनट में ये 15 बार घूमेगा। तो ये 15 आरपीएम हमको जीरो स्पीड में सेट करना है। तो जीरो स्पीड को कैसे पता चलेगा ये कितना स्पीड में घूम रहा है, हमें तो पता चल गया कि ये बेल्ट का स्पीड है 15 आरपीएम, लेकिन ये जीरो स्पीड को कैसे पता चलेगा ये 15 आरपीएम में घूम रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक ITD लिखा गया है और ये लिखा गया है NTD, तो ये दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूँ। और ये बीच वाला है आरपीएम सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आरपीएम
कैसे सेट किया जाता है। ऊपर में देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, 8 इम्पल्स पर रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन यानी वो जो पुली घूम रहा था एक बार घूमने पर वो हो गया एक रिवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 8 इम्पल्स। तो 8 इम्पल्स का मतलब क्या है दोस्तों, वहां पे आप देख रहे थे कि जीरो स्पीड का ये जो प्रोब है, प्रोब ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ब्लिंकिंग कर रहा है कैसे, वो कुछ बार को सेंस कर रहा है, पुली के ऊपर कुछ बार लगाया गया है उसी बार को ये सेंस कर रहा है। तो ये वहां पे टोटल 8 बार लगा हुआ है। तो जब टोटल ये 8 बार को सेंस कर लेगा यानी 8 इम्पल्स काउंट कर लेगा तो ये जीरो स्पीड को पता चल जाएगा कि 8 इम्पल्स यानी एक रिवोल्यूशन हो गया। और पहले से हमको पता है कि ये बेल्ट का आरपीएम है 15 आरपीएम। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको आरपीएम को 15 के नीचे रखना है, 15 से ज्यादा नहीं रखना है, 15 का नीचे रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3 ऐसा बोल के 10 तक लिखा गया है, लेकिन हमको सेट करना है 15। तो 15 हमको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डीप स्विच लगाया गया है और डीप स्विच में दो स्विच है, एक नंबर एंड दो नंबर। तो हमको क्या करना है, जो एक नंबर स्विच है उसका रेंज है 1 to 10, लेकिन दो नंबर स्विच का रेंज है 10 to 100। तो हमको दो नंबर को ऑन करना है, एक नंबर को ऑफ कर देना है। तो हमारा जो आरपीएम का रेंज भी हो गया वो हो गया 10 to 100। तो हमको सेट करना है 1 and 2 के बीच में, यानी 15 के नीचे रखना है, 10 to 20 के बीच में रखना है, 15 का नीचे रखना है। और ये जो वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रोब का वायर है RBG, इसी के हिसाब से आपको वायरिंग कनेक्शन करना है। तो देखिए प्रोब ब्लिंकिंग कर रहा है, ये उसका वायर है, वायर आके टीवी में लगा है। ये वायर का कनेक्शन अगर आप लूज कर देंगे या उसका सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे तो भी ये जीरो स्पीड काम नहीं करेगा। तो पुली में आपको कितना बार लगाना है ये सबसे पहले जीरो स्पीड से पता चलेगा। जीरो स्पीड में लिखा गया है 8 इम्पल्स फॉर रिवोल्यूशन, यानी आपको 8 बार लगाना है पुली में। अगर आप उससे कम लगाएंगे तो उसी के हिसाब से ये काउंट करेगा, क्योंकि इसका जो काउंट है दोस्तों उसका फिक्स है, यानी 8 इम्पल्स फॉर रिवोल्यूशन, 8 इम्पल्स लेगा तो ये समझेगा कि एक रिवोल्यूशन है। अगर मान लीजिए वहां पे 4 बार होता है, पुली में 4 बार लगा होता तो ये पुली जब 2 बार घूम जाता यानी 8 इम्पल्स को ये काउंट करता, लेकिन जीरो स्पीड के लिए ये एक रिवोल्यूशन होता। इसीलिए ध्यान में रखिए कि रिवोल्यूशन यानी पुली का रिवोल्यूशन, पुली एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, और आप इम्पल्स यानी पुली में आप कितना बार लगाएंगे, जितना जीरो स्पीड में लिखा होगा। यहाँ पे 8 इम्पल्स पर रिवोल्यूशन लिखा गया है, इसलिए आपको 8 बार लगाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।